हेलो किड्स, आई होप यू आर फाइन। सो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे ओके स्टेटमेंट और क्वेश्चन में अंतर पता करना। ओके तो देखो, ये आपकी इंग्लिश ग्रामर की बुक है और ये मैंने पेज नंबर 11 ओपन कर रखा है आपकी इंग्लिश ग्रामर की बुक का। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो क्या लिख रहा है यहाँ पे, क्यू यू ई एस टी आई ओ एन एस। तो क्यू की साउंड क्या होती थी, क्वा, तो ये हो गया क्वे क्वे क्वेस क्यू यू ई एस क्वेस टी आई ओ एन एस चंस क्वेश्चंस क्वेश्चंस, है ना। कंपेयर सी ओ एम कम पी ए आर ई पेयर कॉम्पेयर द टी डब्ल्यू ओ टू सी ओ एल यू एम एन एस कॉलम्स सी ओ को लम्स। अब यहाँ पे देखो दो कॉलम बनना है, एक तो ये कॉलम बनना है और एक दूसरा ये कॉलम बनना है इन दोनों में। ठीक है, क्या लिख रहे हैं बच्चों, सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। ओके इनको दोनों को कंपेयर करना है एंड नोट द डिफरेंस बिटवीन अ स्टेटमेंट एंड अ क्वेश्चन। ओके और क्या करना है, हमें दोनों में डिफरेंस बताना है। ठीक है, तो देखो यहाँ लिखा है बेटा एस टी ए टी ई स्टेट एस्टेट एम ई एन टी एस मेंट्स, ये हो गया स्टेट मेंट्स स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट क्या होता है बच्चों, जैसे जब कोई हम बात कहते हैं कि संध्या सेब खाती है, अब ये क्या है, स्टेटमेंट है, सीधा सीधा वाक्य है, सीधा सीधा सेंटेंस है। लेकिन अगर मैं सवाल पूछ लूँ कैसे कि संध्या क्या आप सेब खाती हो, संध्या क्या आप सेब खाती हो, या संध्या क्या आपको सेब पसंद है, तो इसमें क्या पूछ लिया मैंने, क्वेश्चन पूछ लिया, सवाल पूछ लिया, है ना। तो ये क्या बन जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा, समझ आ रही बात। तो स्टेटमेंट तो सिंपल होता है और जब हम क्वेश्चन पूछते हैं सवाल पूछते हैं तो वो क्वेश्चन बनता है। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे रमा इज क्लेवर, रमा इज सी एल ई वी ई आर क्लेवर, क्लेवर यानी चतुर, तो रमा चतुर है, तो ये इसका मतलब तो ये हुआ। लेकिन इसका क्या मतलब है, इज रमा क्लेवर, तो इसका मतलब है क्या रमा चतुर है, क्या रमा चतुर है। तो इसमें देखो पीछे क्या आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है, ये क्वेश्चन मार्क का साइन होता है ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके यूँ 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 करके, देख रहे हो सब में ये ऐसे करके यूँ करके बनना है ना। तो इससे पता चलता है कि ये जो सेंटेंस है, ये जो वाक्य है, ये क्वेश्चन वाला है, पीछे क्या लग रहा होगा, क्वेश्चन मार्क, इसको क्वेश्चन मार्क कहते हैं, क्या लग रहा होगा, क्वेश्चन मार्क। ओके देखो सब में लग रहा है, इसमें लग रहा है, इसमें लग रहा है, इसमें लग रहा है, जबकि सेंटेंस में पीछे क्या आता है, केवल डॉट आता है, जो स्टेटमेंट होता है उसमें डॉट आता है और जो क्वेश्चन होता है उसमें ये क्वेश्चन मार्क आता है। ठीक है, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि वो क्वेश्चन है कि स्टेटमेंट है। ठीक है, आगे देखो टी एच ई वाई दे आर कजिन्स, दे आर कजिन्स, कजिन्स यानी भाई बहन, चचेरे भाई बहन होते हैं ना, चाचा ताऊ के और ऐसे होते हैं, है ना, तो उनको कजिन्स बोला जाता है। तो दे आर कजिन्स, वे कजिन्स हैं, आर दे कजिन्स, क्या वो कजिन्स हैं, यानी कि ये जो है ना आर उठ करके पहले आ गया है, देखो ध्यान से, है ना। आगे देखो सौरभ एंड होमी,
आर ब्रदर्स, यानी सौरभ और होमी भाई हैं। अब इस आर को अगर उठा करके बच्चों हम कहाँ रख दें, इस आर को उठा करके अगर हम पहले लगा दें, जैसे देखो इसमें लगाया गया है आर सौरभ एंड होमी ब्रदर्स, तो ये बन जाएगा क्वेश्चन वाला, यानी क्वेश्चन वाला सेंटेंस बन जाएगा। तो ये पीछे क्वेश्चन मार्क लग रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको समझ में आ रहा है कैसे होता है। हरी हैज गॉट अ वॉच, यानी हरी हैज गॉट अ वॉच, यानी हरी को क्या मिली है, एक हरी को एक वॉच मिली है। ओके तो हैज, इस हैज को हम कहाँ रख देंगे, आगे रख देंगे। तो हैज हरी गॉट अ वॉच, क्या हरी को एक वॉच मिली है, क्या क्या हरी को एक वॉच मिली है, तो क्वेश्चन पूछ लिया, इसमें तो क्वेश्चन वाला हो गया। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि सारे सेंटेंसेस में ऐसे ही हैं, जिसमें पीछे क्वेश्चन वाला आ रहा है वो क्वेश्चन वाला सेंटेंस होता है, और जिसमें केवल डॉट आ रहा है वो स्टेटमेंट होता है। ओके तो देखिए यहाँ पे एक एक्सरसाइज दी हुई है, एक्सरसाइज नंबर 2। ओके पेज नंबर 11 पर एक्सरसाइज नंबर 2 दे रखी है। तो इसमें क्या करना है बच्चों, पढ़ते हैं चलो। इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, इन सेंटेंसेस में टिक टिक दोज विच आस्क क्वेश्चंस, मतलब हमें उन पर टिक करना है जिसमें कि क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन पूछा गया है तो व्हाट डू यू डू, यानी तुम क्या करते हो, तो इसमें पीछे क्वेश्चन वाला आ रहा है यानी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इस पर हम क्या करेंगे, टिक कर देंगे। ओके अब इसमें तो देखो पीछे डॉट आ रहा है ना, इसका मतलब ये तो स्टेटमेंट है, क्वेश्चन वाला होता है ये वाला जिसमें पीछे क्वेश्चन आता है, यानी आपको उन पे टिक करना है जिनमें पीछे क्या आ रहा हो, क्वेश्चन आ रहा हो। ठीक है, देखो ये क्या लिख रहा है, सम ऑफ द सम्स आर हर्ड। ओके हार्ड, सॉरी, सम ऑफ द सम्स आर हार्ड, यानी कुछ क्वेश्चंस कैसे हैं, हार्ड हैं, टफ हैं। ओके तो ये आपको करने हैं इस तरह से। देखो नेक्स्ट पेज पे मैं आपको दिखा देता हूँ क्या है। ये देखो यहाँ विच इज योर डेस्क, तुम्हारी डेस्क कौन सी है, इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इस पर टिक लगा देंगे। इसी तरह से आपको पता करना है कि कौन कौन से हमें टिक लगेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये वाली एक्सरसाइज आप खुद करेंगे, बुक में फिल करेंगे ये वाली एक्सरसाइज। ओके